अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका मेज़बान जुनैद बगदादी। आज आपके लिए हमजा टाउन फेस टू में बी ब्लॉक का सबसे खूबसूरत घर, पाँच मल्ला सिंगल स्टोरी का नाज़रीन ये घर है और स्पेनिश लुक में ये घर बना हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नाज़रीन ये घर बना हुआ है। मैं बल्कि कह सकता हूँ कि ये जिस प्राइस रेंज में ये घर है ना, हम मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा खूबसूरत इसका इंटीरियर डिज़ाइन है। तो इस घर की मुकम्मल इंशाल्लाह डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो जो उनसी ना वो लास्ट तक देखनी है। इस घर की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन, इसकी लोकेशन, इसका मुकम्मल जो टूर है वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको करवाऊंगा। इस घर का फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं कि स्पेनिश लुक में इस घर को मुकम्मल तैयार किया गया है। मुकम्मल स्पेनिश एक लुक जो सी है वो इसको दी गई है। इन फ्यूचर जब आप इसको डबल स्टोरी, फिलहाल ये सिंगल स्टोरी का घर है, रजिस्ट्री इंतकाल वाला नाज़रीन ये घर है। और लोकेशन की बात करूँ तो हमजा टाउन फेज़ टू, हमजा टाउन फेज़ टू है, मेन फिरोजपुर रोड काना लाहौर में इसकी लोकेशन बनती है। और अगर इसके साइड के व्यू की बात करें तो नीट एंड क्लीन 25 फीट का जो सा वो कारपेटेड आपको रोड मिलता है और मुकम्मल एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी में और अच्छे जो से नेबर के दरमियान में अलहमदिल्ला ये घर है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन 22 फीट का रोड, वाबडा की बिजली आपको यहाँ पर नजर मिलेगी और गैस की जो पाइपलाइन है यहाँ पर अलहमदिल्ला मौके पर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्री इंतकाल वाला एक घर जहाँ पे आपको ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात आपको मौके पे मिलने वाली हैं। अगर फ्रंट की बात करें दोबारा से मैं आपको बताता चलूँ कि स्पेनिश लुक इसको दिया गया है। निशेज बनाई गई हैं, निशेज के अंदर लाइट्स लगाई गई हैं, 16 गेज की चादर का नाजरीन यहाँ पर जो है वो गेट आपको मिलता है। इंटीरियर डिज़ाइन इसका बहुत ही खूबसूरत है। इंटीरियर डिज़ाइन भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले नाजरीन इसका आ जाता है कारपोच का एरिया। काजपोज के एरिया में आप देख सकते हैं टाइल वर्क है और आपकी एक बड़ी गाड़ी यहाँ पे इजीली आ जाती है। ऊपर इसका आप देख सकते हैं इसका सीलिंग डिजाइन, सीलिंग डिजाइन पूरे घर में सिंपल सा है और बल्कि अंदर जो सीलिंग का जो काम हुआ है बड़ा यूनिक काम हुआ है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ इंशाल्लाह इस तरह का काम आपने कहीं पर नहीं देखा। मैं इंशाल्लाह वो भी आपको विजिट करवाता हूँ। अगर इंटीरियर इसके डिजाइन की बात करें तो जैसे ही कारपोज के एरिया में आते हैं तो यहाँ पे हमें इसका मिलता है निशेज मिलती हैं जहाँ पे मिरर जोन से वो आपको इंस्टॉल मिलते हैं। साथ आपको मिलता है ये 3D वॉलपेपर। ये 3D जो वॉलपेपर में आप जो कलर देख रहे हैं, ये कलर स्कीम जो जो कलर इसमें है वही कलर आपको पूरे घर में मिलेंगे। सामने आपको मेन डोर मिलता है और यहाँ पे नाजिन आपको मिलता है इसका पाउडर रूम। पाउडर रूम में आपको बेसन और जो कम्बोर्ड है उसकी ऑप्शन मिलती है। स्टेज के नीचे आपको एक्स्ट्रा स्टोरी स्पेस यहाँ पे मिल जाएगी और स्टेज से हम चले जाएंगे ऊपर वाले पोर्च में जाने। ठीक है, यहाँ से नाजरीन मेन डोर आप चेक करें इसका, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग के साथ इसका डोर बनाया गया है और फुल हाइटी जो वो डोर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। यहाँ से इंटरेस्ट है इसके ड्राइंग रूम की, जहां से आपके गेस्ट जोन से हैं वो कारपोच के एरिया से ही यहाँ से इंटरेस्ट उनकी हो जाएगी। ये नाजरीन इसका है ड्राइंग रूम का एरिया, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इसका इंटीरियर डिजाइन है और इसका मुकम्मल आपको जो सा ना वो रिव्यू देते हैं, लेकिन हम आपको इंटर करेंगे जो मेन घर की इंटरेस्ट है वहां से हम आपको इंटर करते हैं। ये नाजिन इसकी मेन इंटरेस्ट, यहां से हम ये नाजिन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इसका टाइल वर्क नीचे आप देख सकते हैं। पियानो स्टाइल में भी टाइल वर्क यहाँ पे किया गया है। आप ये जो टाइल वर्क देख रहे हैं ये सेम टू सेम यही डिजाइन ऊपर है, सीलिंग का डिजाइन और नीचे जो सा टाइल का डिजाइन ये सेम टू सेम इसी तरह जिस तरह पानी में हम अपने आप को देखते हैं, शीशे में हम आपको देख रहे हैं, सेम उसका अक्स जो सा है वो नीचे या नीचे का जो सा अक्स है वो ऊपर इसका बनाया गया है। सामने आपको मिलती है मीडिया वॉल, मीडिया वॉल पे आप देख सकते हैं साइड पे मिरर का काम है और निशेज बनाई गई है। बहुत ही खूबसूरत नाजिन ये आपको एक इंटीरियर जो यानी अंदर का इंटीरियर डिजाइन का बना हुआ घर आपको नाजिन मिलने वाला है। ये यहाँ पे आपको मिलता है इसका ये ड्राइंग रूम का एरिया, तो ड्राइंग रूम के एरिया में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मुकम्मल एक टाइल वर्क और सेम यही इसी पैटर्न के मुताबिक इसका सीलिंग डिजाइन यहाँ पे बनाया गया जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत घर को बना रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ये निशेज यहाँ पे बनाई गई है, इसका वॉलपेपर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और साथ ही यहाँ पे जो AC के जो पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिलता है ताकि बाद में आपको तोड़फोड़ ना करनी पड़े। पीछे आपको वेंटिलेशन की जो सी है वो विंडो मिल जाती है, 5x5 की आपको वेंटिलेशन विंडो यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये बड़ा ब्रिकी का काम होता है, बड़ा बहुत ही ब्रिकी का ये काम है, यानी जो मिरर है उसकी भी साइड से कटिंग की गई है, मिरर लगाया गया है, फिर ये निशेज के जो से वो गोले यहाँ पे लगाए गए। टाइल वर्क आप चेक कर सकते हैं, यानी ये करारा व्हाइट और ब्लैक का कम्बिनेशन करके यहाँ पे ये मुकम्मल एक टाइल वर्क बनाया गया। इसके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं तो यहाँ पे भी निशेज बनाई गई है और ऊपर जो सी है वो क्लॉक यहाँ पे
इंस्टॉल की गई है। नाजी पांच मल्ले का ये घर है जिसमें आपको एक ड्राइंग रूम और ये टीवी लॉन्च का एरिया जिसे हम रिसेप्शन एरिया भी कह सकते हैं, दो बेडरूम की और एक किचन की ऑप्शन नाजी इस घर में आपको मिल रही है। घर की लोकेशन में फिर से आपको बताता चलूं, हमजा टाउन फेस टू है, मेन फिरोजपुर रोड काना लाहौर में इसकी लोकेशन बनती है। और अगर प्राइस की बात करें तो 82 लाख रुपए इस घर की बड़ी माकूल सी, जो मटेरियल का यानी जो मटेरियल डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है तो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुनासिब सी इसकी डिमांड है। और आप मेन फिरोजपुर रोड पे अपनी वर्किंग कर ले, इंशाल्लाह ताला मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस तरह का खूबसूरत घर आपको इस प्राइस रेंज में नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। आप अपनी वर्किंग करें, मैं अपने कस्टमर से हर दफा कहता हूँ आप अपनी वर्किंग करें फिर हमारे पास आए। तो मजीद घर की तरफ चलते हैं, यहां से आगे इसका आ जाता है नाजरीन मेरी बहनों और जो माए उनका फेवरेट प्लेस जो घर की है वो है किचन। किचन में आप देख सकते हैं कि मुकम्मल यूवी की जो शीट है उसका काम किया गया है और जो कैबिनेट्स बने हुए हैं वो लेफ्ट एंड राइट अप एंड डाउन। ये नाजरीन यहाँ पे इलेक्ट्रिक हुड जो है वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिलता है और बर्नर जो है वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिलता है। टाइल वर्क मुकम्मल की गई है, ओवर हेड और अंडर हेड आपको एक्स्ट्रा स्टोरी स्पेस यहाँ पे प्रॉपर नाजरीन वो आपको यहाँ पे मिल रही है। साथ इलेक्ट्रिक हुड भी आपको मिल रहा है, साथ यहाँ पे हमने ना इसकी वेंटिलेशन जो है वो भी यहाँ पे रखी गई है और यहाँ से आप सर्व भी कर सकते हैं खाना, अगर वहां पर बैठ के आपकी फैमिली खाना खा रही है यहाँ से आप सर्व भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद नाजरीन इसका आ जाता है यहाँ पे बेडरूम। बेडरूम में आप देख सकते हैं मुकम्मल टाइल वर्क यहाँ पे किया गया है और पियानो इसको हम कहते हैं पियानो स्टाइल में टाइल वर्क। इसमें बहुत मेहनत लगती है, कुछ टाइलें जाया भी हो जाती हैं लेकिन हमने अपने कस्टमर को देनी है आला क्वालिटी की चीज और ऐसी चीज देनी है कि इंशाल्लाह आपके कोई भी नेबर्स या आपके अजीज आपके दोस्त आते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो आपसे ये ना कहें कि आपने घर महंगा लिया या घर खूबसूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला जो भी आपका ये घर देखेगा वो लाजमी कहेगा कि यार घर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और बल्कि हमारी कोशिश होती है अपने कस्टमर से कस्टमर बनाए और वो इसी तरह बनेंगे। तो घर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3D वॉलपेपर आपको इंस्टॉल मिल रहा है, यहाँ पे 3 सेशन में आपको वार्डरोब्स मिल रही हैं। पहले हमारे घरों में जो वार्डरोब्स होती थी ये यानी लेफ्ट से राइट ओपन होती थी तो बेड होता था, तो बेड जो सा वो डिस्टर्ब होता था। तो अब इस दफा हमने ये स्लाइडिंग जो सी है ना वार्डरोब जो सी वो लगाई है स्लाइडिंग, ताकि आपको अगर यहाँ पे बेड है तो ये डिस्टर्ब ना हो। ऊपर एक्स्ट्रा स्टोरी स्पेस आपको नाजरीन यहाँ पे मिलेगी। सामने आपको मीडिया वाल यानी यहाँ पे आप अपनी LCD वगैरह जो सी वो फिट कर सकते हैं। यहाँ पे वेंटिलेशन के एरिया आपको प्रॉपर यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिरर जो सा है वो आपको इंस्टॉल मिलेगा। यहाँ पे वॉल लाइट्स जो सी वो अभी लगाने वाली है, वो इंशाल्लाह हम आपको लगा के देंगे। उसके बाद आ जाता है इसका वॉशरूम। तो वॉशरूम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर जो सी एक वेंटी और मास्टर वालों की जो एक्सेसरीज है वो मिरर यानी वॉशरूम के अंदर जो एक्सेसरीज होती हैं मुकम्मल एक्सेसरीज यहाँ पे इंस्टॉल मिलती हैं। 3 इसमें वॉशरूम है, 2 में कम्बोर्ड और 1 में नाजीन आपको सीट की जो सी वो ऑप्शन इस घर में मिलने वाली है। तो अब चलते हैं इसके बेड नंबर 2 में। बेड नंबर जो इसका यानी टीवी लॉन्च के ड्राइंग रूम के साथ का जो बेड का एरिया सेम वही पैटर्न है इसमें पियानो स्टाइल में। यहाँ पे आपको मिलती है इसमें मीडिया वाल आपको मिल जाएगी, पीछे आपको इसी तरह ये वेंटिलेशन विंडो और ये वॉशिंग एरिया के तौर पे भी आप एरिया यूज कर सकते हैं। सामने आपको मिरर और ये रॉयल डिजाइन में ब्लैक गोल्डन और रेड कलर में यहाँ पे आपको वॉलपेपर इसका मिलता है। साथ ही आपको नाजरीन यहाँ पे मिलती है 3 सेशन में ये वार्डरोब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरी रखी गई है, इस दफा हमने बनाई है इसको स्लाइडिंग में ताकि बेड का जो सा साइज है ना वो आपका डिस्टर्ब ना हो। ऊपर सीलिंग डिजाइन इसका देख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है लेकिन बहुत खूबसूरत सा सीलिंग डिजाइन। और यहाँ पे नाजीन आप इसका चेक कर सकते हैं इसका अटैच बाथ। अटैच बाथ में मुकम्मल इसी तरह इसकी वेंटी के साथ ही आगे आपको मिरर इसमें मिल जाता है। मिरर के साथ मुकम्मल 7 फीट की हाइट पे आपको टाइल वर्क इसका मिलेगा और कम्बोर्ड की ऑप्शन नाजीन यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो इसके में करीब से आपको इसका जो बेड का डोर्स का जो डिजाइन है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही नफासत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये सेमी सॉलिड वुड के ये डोर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। लॉक्स आप चेक कर सकते हैं, अच्छे वाले जो से वो लॉक्स नाजिन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो नाजिन 5 मल्ले का ये घर है, दोबारा से मैं इसकी लोकेशन आपको बताता चलूँ, हमजा टाउन फेस 2 जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 4000 से प्लस घर बना हुआ है, 4000 से प्लस यहाँ पे घर बना हुआ है। रजिस्ट्री इंतकाल वाला ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुकम्मल प्रॉपर्टी है। 5 मल्ले का ये घर है, डिमांड इसकी 82 लाख रुपए है
और प्राइस इंशाल्लाह ताला निगोशिएबल होगी, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं होगा। बकाया इसके अलावा अदर्स ऑप्शंस हमारे पास हैं। इसी तरह इंटीरियर डिजाइन के बने हुए 3 मल्ले के भी घर है, तो आप इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा हमारे दिए गए नंबर पर हमसे राबता करें और अपना जो घर है बनाने का ख्वाब वो फ्रेंड स्टेट के साथ मिलकर अपना वो ख्वाब पूरा करें। थैंक यू वेरी मच।